Hello everyone, welcome to the Saravat classes. In our previous video, we have started the unit Human Physiology of class 11th Biology, in which we have started the chapter that is Breathing and Exchange of Gases. And in that video, we have discussed about respiratory organs of different organisms. Now, in this video, we'll start the topic that is Human Respiratory System. So, let's start. Human respiratory system consists of many organs. हमारा जो respiratory system है human का बहुत सारे organs हैं and starting की बात करें तो start कहाँ से होता है बच्चे? यहाँ से start करते हैं. दो opening हमारे पास हैं जो आपको ये दिखाई दे रही है. These two openings are known as nostrils or external layers. Nostrils या फिर इनको क्या बोलते हैं? External layers. यहां दो ओपनिंग है जिनको कहेंगे एक्सटर्नल लेयर्स या फिर नोस्ट्रल्स. अब इससे आगे चलिए. इससे आगे जाकर हमारा एक कैविटी है, एक चैम्बर है, एक पैसेज है. इस चैम्बर को या इस पैसेज को बोलते हैं नेजल पैसेज और नेजल कैविटी. ये नेजल पैसेज या नेजल कैविटी, क्योंकि नोस्ट्रल्स क्या है? दो है, दो ओपनिंग है. इनके बीच में एक सेप्टम है जो इस चैम्बर को या इस कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करता है. वो जो सेप्टम है, दीवार है, उसको बोलते हैं नेजल सेप्टम. तो इसके दो पार्ट हो गए यहां से, क्योंकि दो ओपनिंग से एक ओपनिंग ये जा रही है, एक ओपनिंग ये जा रही है. तो बीच में जो है दीवार की तरह, उसको कहेंगे नेजल सेप्टम. नेजल सेप्टम. अब ये नेजल सेप्टम इस पूरे और ये पूरा पैसेज, ये पूरी कैविटी क्या है? नेजल पैसेज और नेजल कैविटी. इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? दो पार्ट में डिवाइड करता है. यहां की ओपनिंग को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लेयर्स और नोस्ट्रल्स. अब जब एक दो ओपनिंग है, यहां है, यहां भी ओपनिंग है, क्योंकि यहां जाके भी ऑर्गन में खुलेगा. अब आगे हम बात करेंगे क्या बोलेंगे इसको. लेकिन यहां वाली जो ओपनिंग है, अब इसका नाम हम साथ साथ बताते इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है. एक्सटर्नल लेयर्स, यहां होते हैं इंटरनल लेयर्स. इंटरनल लेयर्स अंदर की तरफ जो ओपनिंग है इसकी, फिर पीछे जाके उसको कहेंगे इंटरनल लेयर्स, और बाहर की तरफ हो गए एक्सटर्नल लेयर्स. अब जो ये बीच में दीवार की बात की है हमने, बीच में क्या है? नेजल सेप्टम जो है ये एक कार्टिलेज का बना हुआ होती है. ये दीवार किसकी बनी हुई है? कार्टिलेज की. अब कार्टिलेज बाद में भी आएगा इसमें, तो यही हम डिस्कस करते चले. कार्टिलेज आप जानते हो कनेक्टिव टिश्यू है. आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा तो जाना होगा टिश्यू चार तरह के होते हैं. उनमें एक टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में. जैसे कि बोन भी कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है. ऐसे ही एक सॉफ्ट टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको बोलता है कार्टिलेज. बॉडी में बहुत सारी जगह स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे बोन बनाती है. तो यहाँ पर कार्टिलेज है हाइलिन कार्टिलेज. जो हमारा नेसल सेप्टम है ये कौन से कार्टिलेज का बना हुआ है? हाइलिन कार्टिलेज. और जो ये टिप है बच्चों नोज की, यहाँ हाइलिन कार्टिलेज हो गया. टिप जिसको हम ऐसे ऐसे आराम से फोल्ड इधर उधर कर सकते हैं, मुंह करा सकते हैं, ये टिप भी एक कार्टिलेज की बनी होती है. वो होता है इलास्टिन कार्टिलेज. इलास्टिन कार्टिलेज. सो यहां तक की हमारी बात क्लियर हुई कि यहां से दो ओपनिंग है जिनको नोस्ट्रल्स कहते हैं. वो जाके एक पूरे पैसेज में खुल रही है. वो पैसेज दो पार्ट में डिवाइड है. बीच में एक नेजल सेप्टम है, और ये नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी या फिर हम कहें नेजल पैसेज है. और यहां लास्ट में फिर दो ओपनिंग है, इनको कहते हैं इंटरनल लेयर्स. अब इस पैसेज की या इस कैविटी की बात करें बच्चे, तो इस पैसेज या कैविटी में तीन जोन होते हैं हमारे पास. यहाँ कितने जोन है, ये कितने जोन में डिवाइड है? तीन जोन में डिवाइड है. सबसे पहले जोन की बात करें तो इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर जोन. वेस्टिबुलर जोन. बीच में हम देखें तो बीच में हमारे पास एक जोन है जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन. रेस्पिरेटरी जोन. और लास्ट वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं क्या? ओल्फैक्टरी जोन. ओल्फैक्टरी जोन. तो पूरे नेसल पैसेज को तीन पार्ट में, तीन जोन्स में डिवाइड किया गया है. पहला वेस्टिबुलर, दूसरा रेस्पिरेटरी, और तीसरा ओल्फैक्टरी जोन. अब वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? वेस्टिबुलर जोन की. वेस्टिबुलर जोन. वेस्टिबुलर जोन में आप दो चीजें याद रखो बच्चों, हेयर प्लस म्यूकस. हेयर प्लस म्यूकस, यानी कि ये सबसे पहले वाला जोन हो गया, सबसे पहले वाला पोर्शन हो गया. इस पोर्शन में क्या क्या है? हेयर है और म्यूकस है.
हेयर सेल्स हैं जिनमें हेयर है हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या है बच्चे? इनका फंक्शन होता है कि अगर डस्ट पार्टिकल एयर में जा रहे हैं तो उनको क्या करना, ट्रैप करना, उनको रोक लेना यही। तो जो भी हमारे एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं तो नोज में यही इसी पैसेज में वो क्या कर लिए जाते हैं, ट्रैप कर लिए जाते हैं। सेकेंड थिंग है म्यूकस। म्यूकस के लिए एक तरह की सेल्स होती है बच्चे जिसको बोलते हैं गोब्लेट सेल्स। गोब्लेट सेल्स, इसकी जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम मतलब लाइनिंग है सेल्स की हमारी इस पैसेज की, उसमें एक खास तरह की सेल्स हैं यूनिसेलुलर जिनको कहते हैं गोब्लेट सेल्स। गोब्लेट सेल कहीं भी आ जाए बच्चे, स्टमक में भी आएंगी, इनका काम होता है म्यूकस सीक्रेट करना। म्यूकस एक चिपचिपा सा सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस क्या करता है, वो हेयर के साथ मिलकर उसी फंक्शन को करेगा, डस्ट पार्टिकल्स को क्या करना, ट्रैप करना। इसीलिए बोलते हैं कि हमें ज्यादा किससे, नाक से ब्रीथ करना चाहिए, मुंह से भी हम ब्रीदिंग कर सकते हैं बट मुंह से क्या होगा, वहां हेयर और म्यूकस नहीं है तो डस्ट पार्टिकल्स डायरेक्ट कहां जाएंगे, लंग्स में जाएंगे। अब सेकेंड हमारे पास, सेकेंड कौन सा जोन है, रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन यानी ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन है रेस्पिरेटरी जोन, ये हमारा काम करता है किसकी तरह, एयर कंडीशनर यानी एसी की तरह, एक्ट लाइक एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर से मतलब क्या है बच्चों, जो एयर जाती है हमारी नेसल पैसेज से होती हुई, उसको क्या कर लिया जाता है, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया जाता है। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है अगर वो वार्म है तो उसको कूल कर लिया जाता है, और अगर कूल है तो उसको क्या कर लिया जाता है, वार्म कर लिया जाता है बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, कूल को वार्म कर लिया जाता है। इसके लिए क्या है बच्चे हमारे पास, वार्म को कूल होने के लिए क्या चाहिए, हीट रिलीज होगी, वार्म से क्या करनी पड़ेगी, हीट रिलीज होगी और वो हीट शुड बी यूज्ड, वो हीट कहीं यूज होनी चाहिए। उसका काम कौन करता है, ये म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस यहां प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी जोन में, जो वार्म एयर को कूल एयर में कन्वर्ट कैसे करता है, देखो म्यूकस के पास वाटर है, म्यूकस के पास क्या है, वाटर, और वाटर का होता है वेपोराइजेशन। जब वाटर को वेपोराइजेशन करना होता है तो इतनी बात आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, वाटर को कन्वर्ट होना है वेपर में तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट चाहिए होगी उसको, हीट की रिक्वायरमेंट, तो वो हीट कहां से लेगा, इस वार्म एयर से, और वो किसमें हो जाएगी, कूल हो जाएगी एयर हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। कूल को वार्म में करने के लिए क्या है, ये जो रेस्पिरेटरी जोन है इसमें दोनों चीजें हैं, म्यूकस भी है और एक चीज और है बच्चों, हमारी बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से ब्लड फ्लो हो रहा है, वो क्या करता है, हीट रेडिएट करता है और कूल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कूल एयर को वार्म कर देता है हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं जिनसे ब्लड फ्लो हो रहा है, वे भी बहुत सारी प्रेजेंट है यहाँ इस रेस्पिरेटरी जोन में, और वो क्या करती है, कूल एयर को वार्म एयर में कन्वर्ट कर देती है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज ओल्फैक्टरी जोन। ओल्फैक्टरी जोन, ओल्फैक्टरी जोन बच्चों, ओल्फैक्टरी वर्ड आप अगर आपने सुना है तो आप इसका मतलब सीधा सीधा बता सकते हो भाई, स्मेल से रिलेटेड, जो भी कहीं स्मेल से रिलेटेड बात आती है सूंघने से, तो हम बात करते हैं उसको बोलते हैं क्या, ओल्फैक्टरी सेल्स या ओल्फैक्टरी जोन। तो यहां वाली जो सेल्स है इनको और क्या बोलते हैं बच्चों, निडेरियन मेम्ब्रेन, इसको एक और नाम है निडेरियन मेम्ब्रेन। इसमें हमारी वो सेल्स हैं, वो सेंस सेल्स हैं जो भी ओडर या जो भी स्मेल आएगी उसको किसमें कन्वर्ट करने का काम करते हैं, सेंस करने का या रिसीव करने का उसका स्टिमुलस। यानी आप जो भी स्मेल चीजें स्मेल कर लेते हो वो इस जोन की वजह से, इस जोन में कुछ ऐसी सेंस सेल्स हैं जो रिसीव करती हैं स्टिमुलस किस चीज का, किसी भी स्मेल का, किसी भी ओडर का। तो एक चीज और आप याद रखोगे, ऑर्डर आती है गैसियस फॉर्म में, ऑर्डर किस फॉर्म में आएगी, गैसियस फॉर्म में। जैसे खाना बन रहा है कहीं किचन में, तो खाने से जो वेपर निकलेगी यानी भाप की फॉर्म में आएगी और आप खुशबू से पहचान लेते हो भाई ये चीज बन रही है, इस चीज की खुशबू आ रही है। तो वो यहां पर हमारे पास एक ग्लैंड है जिसको कहते हैं बोमेंस ग्लैंड। बोमेंस ग्लैंड, ये बोमेंस ग्लैंड क्या करती है बच्चे, एक तरह का सीक्रेशन सीक्रेट करती है, और वो सीक्रेशन इस गैस वाली ओडर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड स्टेट में बदल देता है। इस तरह इसका फंक्शन हुआ क्या, स्मेल का। अब तीनों जोन की बात हुई, अब एक चीज और आप याद रखोगे, यहां पर तीन टर्मिनल्स होते हैं, इस जोन में
तीन क्या प्रेजेंट है, टर्बिनल्स। दो यहाँ प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी जोन में और एक टर्बिनल प्रेजेंट होता है ओल्फैक्टरी जोन में। टर्बिनल से मतलब क्या है बच्चों, एक तरह का क्या होता है, उभार होता है, बल्ज आउट होता है। इस उभार के ऊपर जो कोशिकाएं होंगी या सेल्स होंगी, वो सेल्स क्या करेंगी, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगी। जैसे कोई मेम्ब्रेन है आपकी, वो ऐसे स्ट्रेट है और एक मेम्ब्रेन है वो इस तरह से फोल्डेड है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ रेस्पिरेटरी जोन में और ओल्फैक्टरी जोन में सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए तीन क्या होती हैं, तीन टर्बिनल्स होते हैं। दो अब ये पेयर में होंगे, क्योंकि मैंने बताया यहाँ बीच में एक क्या है, ये बीच में नेजल सेप्टम है। तो नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी कितनी है, दो कैविटी है, एक ये ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो जैसे ये ऊपर की तरफ है ऐसे ही एक एक कहाँ होगा, नीचे होगा। तो तीन टर्बिनल है, तीन पेयर टर्बिनल है, जिनको बोलते हैं सुपीरियर, लेटरल और इन्फीरियर। इन तीन टर्मिनल्स को और क्या बोलते हैं, कोंका। इनको क्या कहते हैं, कोंका। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या टर्मिनल्स। ये कोंका या टर्मिनल्स का काम है सरफेस एरिया क्या करना, इंक्रीज करना, ताकि जो भी फंक्शन इन इन पार्ट का है वो एफिशिएंटली और अच्छे से हो सके। अब यहां एक चीज और आप समझोगे, यहां पर एक फ्लैप, एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है, एक ढक्कन के जैसी स्ट्रक्चर है, जिसको कहते हैं यूवुला। यूवुला का क्या काम है बच्चे, अब इसके बाद एक ऑर्गन, एक पार्ट और आप समझो, यहां क्या है, फेरिंग्स है। ये वाला जो चैम्बर है पूरा, इसको क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। देखो बच्चों, यहां से क्या है, दो नोस्ट्रल्स है जहां से एयर एंटर करती है। यहां नीचे ये हमारा क्या है, माउथ है, और माउथ से ये वाला पोर्शन क्या, वो इसको क्या कहेंगे, बकल कैविटी। ये हमारा क्या है, बकल कैविटी। बकल कैविटी से क्या जा रहा है, खाना जा रहा है। नेजल चैम्बर से क्या जा रहा है, एयर जा रही है, और दोनों का एक पैसेज, बीच में एक पोर्शन ये इतना ऐसा है जिससे दोनों चीज क्रॉस ओवर करेंगे एक दूसरे को, दोनों पास होंगे यहां से, एयर भी और फूड भी। तो जब आप खाना स्वेलो करते हो, फूड स्वेलोइंग होती है, तो वो खाना किसी रीजन से यहां से अगर नेजल चैम्बर में या नेजल कैविटी में चला जाएगा तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। तो इसको रोकने के लिए यहां पर ये लिड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं यूवुला, जो इस फ्लैप, ये लिड लाइक या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इस ओपनिंग को क्लोज कर लेती है उस टाइम पर जब आप खाना स्वेलो करते हो। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ यूवुला। ये किसका काम हुआ, यूवुला का काम हुआ। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, किसका, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें हमने नोस्ट्रल्स के बारे में जाना, नोस्ट्रल्स के बाद नेजल पैसेज या नेजल कैविटी, जिसमें तीन जोन है, वेस्टिबुलर जोन, रेस्पिरेटरी जोन और ओल्फैक्टरी जोन, और लास्ट में ये एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं क्या, यूवुला। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स जिसको हम कहते हैं, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स।